शिवनी लखनादौन ब्लॉक के सबसे बड़े कन्या आश्रम में पिछले कुछ दिनों से अफवाह फैलाई जा रही थी कि आश्रम की बच्चियां कहीं भाग रही है, जबकि ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला। जिस बच्ची के नाम से अफवाह फैलाई गई थी, दरअसल वो अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी और आश्रम प्रबंधक को सूचना देकर गई थी, जिसकी जानकारी आश्रम अधीक्षिका श्रीमती प्रजेश पंद्रे को स्वयं उस बच्ची ने दी। और जब अधीक्षिका ने खुद अपनी सहमति जाहिर की, तब जाकर उक्त बालिका अपने पालक के साथ किसी रिश्तेदार के घर यानी आधे गांव गई हुई थी, जिसे एक साजिश के तहत श्रीमती प्रजेश पंद्रे अधीक्षिका आदिवासी कन्या आश्रम आधे गांव को बदनाम और इस आश्रम से हटाने का एक षड्यंत्र रचा गया। और इस षड्यंत्र का शिकार श्रीमती किरण नेमा और श्रीमती प्रजेश पंद्रे को होना पड़ा, क्योंकि उक्त कार्यवाही आनन फानन में हुई। अगर न्याय उचित जांच की बात की जाए तो सारा मामला सामने आ सकता है, क्योंकि अगर हॉस्टल से लड़की भागती है तो पालक द्वारा थाने पर जाकर शिकायत की जाती है, जबकि ऐसा कोई मामला आदेगांव थाने में पंजीबद्ध नहीं किया गया है, जिससे यह साफ जाहिर होता है ना ही किसी बच्ची के पालकों को कोई तकलीफ हुई है, ना ही ऐसा कोई घटनाक्रम आश्रम में हुआ है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गोविंद साहू है। अच्छा, आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम अंजलि साहू है। अच्छा, कहाँ पढ़ती हैं वो? आदिगांव हॉस्टल में। हाँ, क्या है घटनाक्रम? घटनाक्रम यह है कि जिस शादी के कार्ड थे, शादी में आए थे हम लोग जी, हमने उसको ले जा ली शादी में। हाँ, स्थापत में हमने उसको छात्रावास में पहुँचा दिए। अच्छा, उसके बाद उसने पेन भूल गई थी, मात्र 5 मिनट का गेट खुला था तो गई थी वो रघुवीर साहू के यहाँ। बस यही घटना है बस। तो आपने हॉस्टल प्रबंधन को सूचना देके ले गए थे अपनी बच्ची को, या वैसे ही ले गए थे? देकर ले गए थे। मैडम से बताए थे आपने? हाँ, मैडम से बताए थे। अच्छा, दूसरे दिन क्या बोले, उसने पेन भूल गई थी वहाँ, मात्र पेन के लिए भर गई 10 मिनट का, तुरंत वापसी आ गई थी। अच्छा, चलिए ठीक। हाँ मैडम, क्या है मामला, बताएं कुछ। 11 तारीख को एक लड़की सुबह नाश्ता करके वो अपने बड़े पापा के यहाँ गई थी जी, और दूसरी लड़की 2 बजे अपने दादा के यहाँ दादी के यहाँ गई थी बहन से मिलने के लिए जी। तो ये एक अफवाह फैली है कि लड़कियाँ छात्र आश्रम से भाग रही हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जी। और सब जानकारी, ये लड़कियों की जानकारी मेरे नॉलेज में है। तो उन्होंने आपसे परमिशन ली, परमिशन लेके गई थी, बताया था? हाँ, मम्मी पापा दोनों आए थे और दोनों ने परमिशन लेकर लड़कियों को ले गए थे। अच्छा, और ये आदिवासी आश्रम की बच्चियों को ऐसे बदनाम करने के लिए इस टाइप से अफवाह फैलाई जा रही, नाबालिग लड़कियों की, लड़कियां आश्रम से भाग रही हैं। मैं वहाँ पर भी अधीक्षक थी, यहाँ भी अधीक्षक होके आई हूँ, मात्र 1 माह हुआ है। और यदि मैं किसी बच्ची को ऐसे परेशान करती तो इस संस्था में 12 साल में पूर्व में नहीं रह चुकी होती। और इस झूठी अफवाह के कारण पूरा विभाग, पूरी संस्थाएँ और पूरे अधीक्षक एक तौर से बदनाम हो रहे हैं। कोई भी ऐसी हरकतों के कारण संस्था में अधीक्षक के पद में कार्य नहीं कर पाएगा। तो आपको आपको बदनाम करने की साजिश है? बदनाम करने की साजिश है ये, बदनाम करने करके और वो किया जाए। मैडम, इसमें एक अफवाह और उड़ रही थी कि आदिवासी कन्या आश्रम में लड़कियों को परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। मेरे द्वारा बच्चियों को किसी प्रकार से कोई परेशान नहीं किया जा रहा है। बच्चियों को तो मैं अपने अपने बच्चों से आकलन करके उनको रखती हूँ सुरक्षित। हाँ, ये है कि बच्चियों को थोड़ा अनुशासन के लिए बोला जाए कि बेटा बगैर परमिशन के मत जाओ, कहीं यहाँ मत जाओ, तो ये टॉर्चर करना नहीं है, ये अनुशासन बनाने के लिए बच्चों को गाइडेंस देना है।